इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होगी। जारी जाब्ता अखलाक के मुताबिक फौज अहलकार सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होंगे। बाद में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होगी। फौज 5 फरवरी से 10 फरवरी तक तैनात रहेगी। सिविल आर्म फोर्सेस की प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में तैनाती का भी नोटिफिकेशन जारी। सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती 12 जनवरी से 8 फरवरी तक रहेगी। जारी जाब्ते अखलाक के मुताबिक फोर्सेज इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगी। इंतखाबात में पुरअमन माहौल की फराहमी की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। फौजी अहलकार सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होंगे। अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामला से मुतालिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए। 26 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11,99,000 से ज्यादा अमला तैनात कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।